घोषाले को खत्म कर दिया जाए और हम तुमसे बच जाए, कोई रास्ता है? हम ठाकुर हैं और पहले पता है कि जिस ठाकुर के अंदर राजनीति ना हुई ओकरे ठाकुर ना आता। कोई कोई तरकीब है? है रे। कौन सी तरकीब करेगा? अरे क्यों नहीं करेगा यार, बोलो। और चलो जल्द थाने करो ना कबारी, चलो जल्द। चलू मैं पछाड़ी लाई, जेल जाओगी क्या? तुमको, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी अंदर कर दूंगा। मेरे किसरा जी, वो आपको रिश्वत नहीं देने आई है। तुमको देने आई है? नहीं, ये व्यवहार लिखाने आई है जिसके यहाँ ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं। हम समझे यार, रिश्वत देने आई है? नहीं रिश्वत नहीं, आप यहाँ के वो आप हल्के के यहाँ मेरे किसरा जी है ना। चुप, चुप, चुप। वो मिश्रा जी, मिश्रा जी ऐसा बोला करो, वो साहब आ रहे हैं, ऐसा करिए। कुर्सी कहाँ हो गई? बिल्कुल कुत्ता खा रहा है। वो सीना साहब कहाँ गई? सीना नहीं था वो सीमा साहब। सीमा सीमा क्या बात कर रहे हैं चौकीदार? देखो क्या है सीना साहब। ए सीमा नाम है मेरा। सीमा साहब ऐसा है कि देखिए, हम जानते हैं कि हम चौकीदार हैं, मेरी औकात आपके सामने बोलने का नहीं है। हाँ लेकिन सर क्या जिस हलके में आप आई हैं तो यहाँ क्या हुआ? सख्त शासन और कानून चलता है, तो ऐसा करिए कि ढील ढाल मत रहिए। अच्छा हाँ सीना जी, वो चौकीदार हल्के का क्या समाचार है? हमारे हल्के में जितने चमार हैं सब ठीक है। चमार पासी की बात नहीं कर रहा हूँ, समाचार क्या है? हल्के में कोई प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है? नो सर, गड़बड़ी होना भी नहीं चाहिए। हमारे हल्के में कोई गड़बड़ी नहीं है सर। हाँ हाँ गड़बड़ी हो रहा क्या? ये क्या क्या कह रहा? गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी। लग रहा कोई आ रहा है, घोड़े की आवाज आ रही है। नमस्ते नमस्ते, आओ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब तो ऐसे हौलियान हैं जैसे नीलगढ़िया खाते हैं। और कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है? कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है? कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ है? हर यहाँ कष्टी क्यों उठाना हुआ है? ठाकुर साहब आखिर बात क्या है जो हमारे पास आए हो? अरे फोन कर देते हम स्वयं। और गजब हो गया आज सरकार भारी, गजब हो गया आज सरकार।
एक बात बताइए ठाकुर साहब, ये आपके पीछे कौन पड़ा है? राका डाकू। ये राका डाकू ये आप दोनों के पीछे क्यों पड़ा है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्या आप लोगों के पीछे कोई ममाखी का छत्ता लगा हुआ है? लकड़ी भांज रही। अच्छा ठीक है, बताइए कैसे आना हुआ? अरे यार धमकी भरा जटायु साहब। बोलो हवलदार, पहली बात तो अपने आप को संभालो, अपने शरीर को संभालो। ऐसे कांप रहे हो कि जैसे किसी सार ने आपको खदेड़ रखा है। देखिए जटायु साहब, हम लोगों के पीछे से हवा निकल रही है। आपके हवा निकल रही है? चौकीदार सोल्यूशन लेके आओ, रगड़ के लगाओ इनके। वो हवा नहीं साहब। अरे जटायु साहब, वो हवा नहीं। फिर कौन सी हवा? तब की ये धमकी भरा पत्र भेजा उसे। इनका नाम जटाऊ नहीं है, इनका नाम मिर्गिसरा जी है। यो साजा मिर्गिसरा, मिश्रा मिश्रा। मिश्रा जी ऐसा बोला करो, यानी जटायु साहब मिर्गिसरा। जटाऊ मिश्रा जी। अच्छा अच्छा, कहने दो। देखिए, हाँ हाँ जटा शंकर मिश्र ऐसा बोला करो। देखिए साहब, ये धमकी भरा धमकी का पत्र है। देखिए साहब, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारी हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स होनी चाहिए। ठाकुर साहब आप परेशान मत होइए, आपके चारों तरफ हवेली के यह पुलिस मलराएगी। मलराए क्या? गीत है का भी वो कहने का मतलब गश्त लगाएगी, यानी कि हमारी हवेली तो चारों तरफ पुलिस फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, एक काम करना था। वो कौन सा काम? इधर आओ, आप जरूर आइएगा। चौकीदार है? हाँ चौकीदार है। कुछ चलता है? हाँ चलता है, अगर सिगरेट उगरेट हो तो। लंगड़ी मुर्गी नहीं चलेगी? नहीं लंगड़ी मुर्गी नहीं चलेगी। सिगरेट वही आना तो पिलाएंगे। ठीक है, सिगरेट सभी मिलेगा। अच्छा लंगड़ी मुर्गी खिला दो, लेकिन सिगरेट तो पिला दो। पिला देंगे, लेकिन वही आना तब पिलाएंगे। ठीक है, हम ठाकुर हैं, यहाँ ज्यादा देर ठहरने की जरूरत नहीं है। और हाँ सुनो, लंगड़ी मुर्गी के साथ और कुछ चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा, केवल लंगड़ी मुर्गी चलेगी। ठीक है, चलते हैं साहब। क्या फसल फसल हो रहा था सर? क्या बात है? ये ठाकुर आपको खत ये देकर गए हैं। हाँ ये सर, ऐसा करो इसको आप पकड़िए सर, कि ठाकुर के हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स लगवा दी जाए। ओके सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट राइट। लेकिन सर, सर, सर में लिखा क्या है? सिट डाउन। डाउन नहीं, इसमें लिखा क्या है सर? क्या बात है साहब? विशाल को सर बुलाया जाए। ठीक कहते हो। ए मुंशी, कैसे विशाल? हम तुम्हें कुछ काम सौंपना चाहते हैं। बेशक, आदेश कीजिए। ये देखो खत आया है। ये खत में जो लिखा है इससे आप पढ़ लीजिए। सर आपने सही कहा, ये खत तो हमारे साहब जरूर पढ़ेंगे। और वो राका डाकू जो है ना सर, हाँ इलाके में साला तहलका मचा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो साहब के लिए ये खाता वो एप्लीकेशन लिखकर आया हुआ है। अच्छा अच्छा, चेतावनी दी गई है। चेतावनी दी गई है। चलिए सर, और हम साहब उनको जरूर अरेस्ट करेंगे। चौकीदार, पूरी पुलिस फोर्स के साथ जाओ जितनी जल्दी हो सके। हमें राका डाकू चाहिए। यस सर। राका डाकू जहाँ भी मिले गिरफ्तार करके हमारे पास ले आओ। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। चलो देखते हैं। सर हवलदार, सर राका डाकू किसी भी कोने में छिपना नहीं चाहिए, किसी भी कोने में रहना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके राका डाकू फौरन गिरफ्तार होना चाहिए। ऐसा ही होगा सर। चलिए सर।
पर चौकीदार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ये लो इस खत को पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। वाह सर, आप इतने दिन से हैं, आपके साथ में हैं। सर अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आपके तरीके अफसर मैं भी होता। सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं सर, इसलिए तो चौकीदार हूं। ठीक है, मैं देखता हूं इसमें क्या लिखा है। ओके सर। चौकीदार ध्यान से सुनो, आज के 20 साल पहले जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बहन राधा की इज्जत लूटकर उसे मरने पर मजबूर कर दिया और हमारे सामने हमारे पिता को गोली मार दिया और मेरे घर में आग लगा दिया, हम दोनों भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दिया। आपका जानी दुश्मन डाकू राका उर्फ राकेश। राकेश सर, आपको आपने इस खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए, आखिर बात क्या है सर? ये चौकीदार आपसे कुछ जानना चाहता है, बताइए सर आखिर बात क्या है कि आपके आंखों में आंसू क्यों आ गए? चौकीदार ये किसी दूसरे की कहानी नहीं। किसी दूसरे की कहानी नहीं बल्कि ये मेरे ऊपर बीती हुई कहानी। ये डाकू राका नहीं बल्कि मेरा भाई राकेश। नहीं सर, वो आपका भाई हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डाकू राका है। राका हम नहीं मानते हैं सर कि वो राका आपका भाई। नहीं चौकीदार, नहीं, मेरी निगाहें धोखा नहीं खा सकती, मेरा अंदाज गलत नहीं हो सकता। जानते हो ये कहानी तो मेरी ही है, मेरी ही बहन का नाम राधा था मेरे भाई, जिसकी इज्जत तुम हराम जादों ने लूट कर और उसे मरने पर मजबूर कर दिया था। आपकी बहन राधा को? हाँ मेरे भाई, और मेरे ही सामने मेरे बाबूजी को गोली मार दिया था उस कमीने ने। मैं अपने भाई राकेश को लेकर भाग रहा था, रास्ते में वो मुन्ना बहुत भूखा था, मैं उसे छोड़कर कुछ खाने के लिए लाने चला गया। मेरे भाई लौट कर वापस आया तो मुझे मेरा भाई मुझे नहीं मिला मेरे भाई। लेकिन सर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कानून कानून होता है, या आपका भाई हो या मेरा भाई हो, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तुम सच कहते हो चौकीदार? अगर हम ये वर्दी पहनकर आगे इसके पास जाएंगे तो वो मुझे दुश्मन समझेगा और मैं उसे दुश्मन समझूंगा। ना जाने मेरी गोली उसका सीना पार करेगी या कि उसकी गोली मेरा सीना पार कर जाएगी। इसलिए आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आज ही इस नौकरी से इस्तीफा दूंगा, अब मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। सर इसका मतलब ये नौकरी आप नहीं करेंगे? नहीं। बड़े साहब के पास जाकर आप इस्तीफा दे देंगे? तो सर अगर राका आपका भाई है तो समझो मेरा भी भाई है,
अगर इस नौकरी से आप इस्तीफा देते हैं तो सर ये नौकरी हम भी नहीं करेंगे। मगर भाई तुम ये नौकरी नहीं करोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं सर, अगर ये नौकरी नहीं करेंगे तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं सर, इससे अच्छा, इस नौकरी से अच्छा सर हम नरेगा पे लेंगे। ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तुम में तो चलो मेरे साथ। आइए सर। अभी तक राका डाकू को गिरफ्तार करके नहीं लाया सर। चौकीदार और उनके सामने बहुत सारी पुलिस फोर्स गई हुई है। हो सकता है कि राका डाकू को गिरफ्तार करके विशाल आपके ही होंगे। इंतजार करते हैं। इंतजार करिए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। कहो विशाल, राका डाकू गिरफ्तार हो गया? नहीं सर, राका डाकू गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा, वो बहुत जलजला है इसलिए हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। वाह, चेतावनी देकर गए थे कि हम राका डाकू को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएंगे, क्या हुआ? हाँ सर, लेकिन गुस्ताखी माफ हो, आज ही हम इस नौकरी से इस्तीफा देते हैं। अच्छा, विशाल कहिए सर। ठीक है, उतार दो और दी जाओ, चले जाओ यहां से। बेशक चले जाऊंगा सर, इसलिए कि मैं उस जग्गा सिंह को अरेस्ट नहीं कर सकता हूं। लायक है तुम्हारी जिंदगी पर। अरे मैंने बहुत उम्मीद रखा था कि इंस्पेक्टर विशाल जरूर राका डाकू को गिरफ्तार करके लाएगा, लेकिन धिक्कार है तुम्हारी जवानी और जिंदगी पर। साहब, दुश्मन इस बॉर्डर पर ही नहीं, बहुत से दुश्मन ऐसे हैं जो कि हमारे इस इलाके में छुपे बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए इस वर्दी से इस्तीफा देना ही अनिवार्य होगा। जय हिंद सर। सर, चौकीदार ठीक कहता था कि किसी को पनाह देना ये ठीक नहीं है। आज देख लिया ना, देख लिया। चौकीदार ने कहा कि किसी अहरे गहरे को यहां मत रखिए और आप नहीं माने। चौकीदार सर, क्या बात है? हमारे साहब आए और ये वर्दी क्यों उतार कर चले गए? इस्तीफा हो गया, इसका मतलब ये नौकरी छोड़कर चले गए सर। हाँ। सर, अगर हमारे साहब ये नौकरी छोड़कर चले गए हैं सर, तो ये नौकरी हम भी नहीं करेंगे सर। ये लो, हवलदार, अरे वही तो देख रहा था, ये पूरा डिपार्ट है इस्तीफा दे रहा है। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? और ये नौकरी की जरूरत नहीं।